मैं नर्सरी में। ये देखो मेरे दोस्त आ गए, सारे सब्सक्राइबर आ गए हैं फिर से। हाय कर दो, तेज बोलो। हेलो हेलो, नाम बता दो अपने। बता, पहले तू बता। नियाशा। नियाशा और सात्विक और वृंदा। ये तीनों मेरे चाहने वाले बच्चे हैं, सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों तो आज संडे है और संडे में गर्मी बहुत है। संडे में गर्मी चली बहुत ज़्यादा रही है यार, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि एटलीस्ट आज ऑफिस में जाना है तो वो ट्रैवलिंग का जो गर्मी लगती है ना वो बच गया है मेरा आज। तो कल छुट्टी है, कल भी ईद है, तो अभी हम लोग उठे हैं और मैंने गोबराज दिया है नहाकर, वो जो मैं डेली देती हूँ, बट आज ब्लॉग का टाइम मिला है। हाँ आई नो आप लोग बहुत नाराज़ होंगे कि मेरा व्लॉग नहीं आता है टाइम से, बट मैं क्या करूँ क्योंकि मैं ऑफिस रहती हूँ पूरे दिन, वहाँ मेरा व्लॉगिंग नहीं हो पाती है और फिर जब मैं छुट्टी होती है तब मेरे पास व्लॉगिंग होती है। तो थोड़ा बहुत मैं मिनी व्लॉग्स डाल रही हूँ आजकल कि अगर हम शाम में जस्ट इन केस मुझे टाइम मिलता है कहीं जाने का तो मैं उसको मिनी व्लॉग डाल देती हूँ, और बाकी पूरे दिन का व्लॉग चलता रहेगा क्योंकि दो दिन छुट्टी है तो ये व्लॉग में ऐसे बने रहिए। तो अभी ही मैंने नहा धोकर लग नहीं रहा है क्योंकि नहाने के बाद आपको सबको पता होगा कैसे पसीने आ जा रहे हैं, वही मेरे साथ है। मैं अभी गोग्रास देखे ही, बाहर बहुत गर्मी है तो अभी हम लोग नाश्ता करते हैं। ये ऐसे कैसे लेट हो तुम, तुम्हें थके नहीं मिल रहे, क्या कर रहे हो? सही हो रहे, तुम नहा लिए? बढ़िया। कितनी गर्मी हो रही है यार पिंचू, हो रही गर्मी हो रही, ऐसे बोलो। इसे हटाओ यार, इसे हटाओ। तुम कुछ, तुम्हारा क्या प्लान है आज का ये तो बताओ। खाना खा के सोने का। अभी तो तुम सो के उठे हो, गर्दन सीधी करो। गर्दन तो सीधी करो, लेकिन फिर सो जाओगे, खा के फिर सो जाओगे। yes. सोना खाना यही है ना? yes. चलो मैं भी यही करती हूँ। गाइस खाना इज रेडी, पिक्चर बाद में देख लेना यार पिंचू तुम, क्या खाना कितना बढ़िया बनाया है, अच्छा लग रहा है, किसने बनाया है? हेलो दोस्तों, कुछ नहीं किया, सिर्फ खाया है और सोए हैं, क्या करें इतनी गर्मी में, कुछ काम करने को बचा तो है नहीं। लेकिन जैसे मैं उठी ना मुझे भूख लग गई, आज मैंने बनाई थी कढ़ी और अब उठते ही मेरा मन हुआ कि मैं बना दूं हलवा, थोड़ा सा मीठा खाने का मन है, ज्यादा नहीं। और पापा से, और मैंने कहा यार पापा मैं क्या खाऊं, अगर मैं ज्यादा हैवी खाऊंगी तो मैं रात में नहीं खा पाऊंगी क्योंकि रात के लिए हमने भिंडी बनवाई है, तो क्या खाऊं मैं, ऐसा चाय पीने का भी मन नहीं हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। फिर पापा ने कहा हल्की दो दो खूब चाय बना ले और साथ में नमकीन बिस्किट स्नैक्स हो जाएंगे तो तेरे को भूख नहीं लगेगी। मैंने कहा ठीक है, तो मैं बना रही हलवा चना, और यहाँ मेरी चाय रखी है तो मेरा हलवा खाने का मन है, थोड़ा थोड़ा सा हलवा हम लोग खाएंगे, पापा मैं पिंचू, और बस कुछ अच्छा नया नया करते रहे। आज मेरा मन है मुझे मुंजिया मूवी देखनी है क्योंकि मेरी फ्रेंड तरु ने मुझे बोला शालू मुंजिया देख के आना, तेरे टाइप की मूवी, तुझे डेफिनेटली तुझे अच्छी लगने वाली है। तो मैंने कहा ठीक है टिकट बुक करो और मूवी देखने जाओ, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं, अभी कुछ कंफर्म है नहीं और है ना। तो चलो अभी मैं हलवा बना लेती हूँ, हलवा खा लेती हूँ, कुछ नया खाने का ना, हर दिन एक ही चीज कर रहे हैं, हो गया मैंने कहा कुछ नया भी खाते हैं। तो हाँ हाँ देखो, तो चलो मैं अभी जरा अपना हलवा खाती हूँ, बनाकर कैसा बनता है देखते हैं, और चाहते थे पापा और मैं पिंचू अभी लेटा हुआ है सो रहा है, तुम भी खाते हैं फिर, चलो ओके बना लूंगी मुझे। नर्सरी में, मैं नर्सरी में। ये देखो मेरे दोस्त आ गए, सारे सब्सक्राइबर आ गए हैं फिर से। हाय कर दो, तेज बोलो। हेलो हेलो, नाम बता दो अपने। बता, पहले तू बता। नियाशा। नियाशा और सात्विक और वृंदा। ये तीनों मेरे चाहने वाले बच्चे हैं, सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो मुझसे मिलने के लिए आया, बहुत दिन हो गए थे मुझसे मिल नहीं पाए थे, तो ये मुझसे मिलने आए हैं, तब हम इनसे गपशप कर रहे हैं। पिंचू कितनी बढ़िया दोस्ती हो गई इनसे, इनके बीच में कैसा टैलेंट है। आप पिंचू इन बच्चों की लड़ाई करवा इनकी तुम लड़ाई कराते, इनसे बोल दो
कि भैया ने कुछ नहीं बोला है ना। पापा जो करा रहे हैं, पापा बेस्ट करा रहे हैं। हाँ अभी ज्यादा फैशन, पापा इज द बेस्ट। दांत खराब कर दिया इन्हें अपना। हाँ कैप लगी है इसको, शाहरुख खान मत बन जाता। तो अभी तुम्हें अच्छा लगा मिलके? सब लगता है, डॉक्टर भी है, वो क्या कहते हैं पुलिस नहीं है बस। अच्छा प्लम्बर भी है, बार्बर भी है, सब लगते हैं, सब चीज ठीक कर देते हैं। अच्छा जॉनी सिंस तो नहीं है यार? अभी बताओ तो अच्छा लगा मिलके? तो ऐसे आ जाया करो, चलो तुम चलो बाय बाय कर दो। ओके चले गए बेचारे बच्चे। अभी हम लोग, मैं सीधा सदर में आते ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। गर्मी इतनी हो रही है, मन बहुत था बाहर आने का क्योंकि बोर हो रहे थे हम लोग। तो अभी हम लोग धूप बत्ती लेने के लिए आए सदर में, और ये नाम मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग कमल धूप कार्यालय में आए हैं, और यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया धूप मिलती है, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की धूप ली है। और यहाँ पे मतलब आपको सदर में आना है तो आप यहाँ पे इससे ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया धूप, बहुत बड़े स्टिक है। ये भी अच्छे स्टिक है, है ना? तो हमने बहुत सारी धूप ली है यहाँ पे, और घर में क्योंकि थोड़ा सा फ्रेग्रेंस रहती है, थोड़ा पॉजिटिव रहता है माहौल, तो यहाँ पे हमें भैया ने बहुत बढ़िया बढ़िया धूप दिखाई। आप सदर में आए तो यहाँ पे आके जरूर लें। कहाँ पे? आपका कमल धूप कल्याण, सॉरी कार्यालय। ठीक है, तो अभी हम लोग सदर में हैं और यहाँ से थोड़ा घर का सामान ले रहे हैं। और यार हमें वो लेनी थी, शादी की वीडियो लेनी थी, बट बोले कि वो बंद हो गए भैया आज के द्वारा, क्योंकि हम लोग आज के मेरे दोस्त आ गए, आपने देखा अभी, वो इतनी देर तक मेरे से मुझसे बातें कर रहे थे कि यार टाइम ही नहीं मिला। तो अभी जब हम लोग निकले तब तक सदर की सारी मार्केट ऑलमोस्ट बंद होने को है, क्योंकि अभी 9 बज रहे हैं यार, तो इस टाइम तो लेट हो गया है सब कुछ। अंकल से मैं कह रहा अंकल वीडियो ले लो, अंकल कह रहे खेले बेटा तेरी दुकान है। अंकल अंकल वैसे बहुत फेमस है यार। हाँ नहीं बहुत, मतलब धूप का काम है। हम लोग क्या करते हैं, जब मैं शाम में दिया जलाती हूँ, सुबह दिया जलाती हूँ, उसके बाद मैं धूप लगाती हूँ घर में, तो पूरे घर में फ्रेग्रेंस आती है, पॉजिटिव फ्रेग्रेंस, तो वो बहुत अच्छी होती है। तो उपासना वाली जो हमने ली है फिरदौस, और वो फिरदौस और उपासना, हाँ बहुत सही फ्रेग्रेंस है, फिरदौस तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। अभी उपासना में नई ली है, नई ट्राई करते हैं, थोड़ी कूल फ्रेग्रेंस है। हाँ तो घर में कूलिंग टाइप का ऐसा फ्रेग्रेंस, क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत मैटर करता है, फ्रेग्रेंस है ना, तो इसीलिए अभी हम लोगों ने ले लिया है यहाँ से सामान। और अभी नींबू को देखो, हाँ मार्केट अब आजकल भरी हुई है, ईद भी है कल, तो मार्केट में थोड़ी हलचल है। ये हमारा फेमस जूस वाले भैया गुप्ता जी, आज हमने खाना खा लिया है, पहले से जूस पीने का मन नहीं हो रहा है, तो अभी हम लोग पहुँच रहे हैं। एक नींबू स्क्वीज़र लेना है यार, स्क्वीज़र लेना है। कितनी बार पिंचू नींबू पानी बनाता है या उसको अपने टाइप का बनाता है, जलजीरा वाला, तो उसमें मुझे बोलता है नींबू के बीज निकाल दे यार, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा स्क्वीज़र लो यार मिल ले सबसे पहले। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, सब मिलता है यार सदर में। मेरठ वालों फिर से सदर घूम लो मेरे बहाने, जिसको मन कर रहा है घूमने का। तो मैं दिखाती रहती हूँ सदर की हलचल। ये हम साईं मंदिर के पास आ गए हैं, और यहाँ पे देखो सारी मार्केट, मतलब सब ऑथेंटिक माल मिलता है यहाँ पर, तो बड़ा मजा आता है मुझे मेरठ में चाट पकौड़ी खाने में। और यहाँ देखो सब मार्केट सजी हुई है, यहाँ काली माई और काली माई की चाट बड़ी अच्छी लगती है मुझे। भारत जी लड्डू वाले, हम यहाँ से बेसन के लड्डू लेते हैं इनसे हमेशा। तो मार्केट में पूरी हलचल है, देख सकते हो आप। सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कल ईद भी है और वैसे भी छुट्टी का माहौल है, सैटरडे है, संडे सॉरी, और कल ऑलमोस्ट लोगों की छुट्टी होगी, तो सब लोग शॉपिंग के लिए आए हैं, तो मज़ा आ रहा है मार्केट घूमने में। हम लोग मार्केट स्विट्जरलैंड, मार्केट में स्विट्जरलैंड लेने आए हैं। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है हमें। तो अभी हमने स्क्वीज़र ले लिया है, और धूप ले लिया है, स्क्वीज़र ले लिया है, और यार बड़ा याद नहीं आ रहा, लिस्ट बनाई थी बट उसमें दो ही सामान है, मैं कुछ भूल ही ना हूँ बस।
तो अभी हम लोग मार्केट, देखो अंधेरा हो चुका है, सब दुकानें बंद और मार्केट क्लोज। तो कल ईद है, ईद में भी शायद बंद रहेगा। हो गया कुछ तो आज इससे एम्बुलेंस पूरा खाली है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, यहाँ बहुत भीड़ रहती है, संडे है। ये देखो कुछ कुछ लोग हैं जिनकी दुकानें हैं, उनकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, भीड़ रहती है उसके हिसाब से तो बहुत कम भीड़ है यहाँ पर। तो हम लोग गाइस घर पहुँच चुके हैं और फाइनली धूप बत्ती और सारा घर का सामान लेने के बाद, और अभी हम लोग घर आए, गर्मी बहुत है, अभी सीधा ऐसे ही बैठते हैं, सोते हैं और आराम करते हैं, उसके बाद फिर कल मिलते हैं आपसे। ओके।